नमस्कार, मैं प्रिया। आज 22 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम। अब बिहार में वोकेशनल कोर्स के लिए भी होगा एंट्रेंस एग्जाम। पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने जारी किया गाइडलाइन। स्वास्थ्य मंत्री ने हर मरीज तक ऑक्सीजन पहुंचाने का किया दावा। तेजस्वी यादव को राजद सुप्रीमो बनाए जाने के सवाल पर बोले शिवानंद तिवारी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पीएचईडी मंत्री ने सात निश्चय पार्ट दो योजना को बताया चुनौतीपूर्ण। पीएचईडी मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सात निश्चय पार्ट दो को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सात निश्चय पार्ट दो पीएचईडी पर बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने हमेशा से इसे चुनौती के रूप में लिया है। बेशक इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि इस साल के अंत तक हर घर नल का जल योजना में जहां भी कोई कमी होगी उसे ठीक किया जाएगा। हर घर को नल का जल मिलेगा। मैंने अपने विभाग के लापरवाह अधिकारियों को सचेत किया है। उनसे कहा है कि काम में कहीं भी कोई भी गड़बड़ी होगी तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसे लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी और उसे सस्पेंड किया जाएगा। बिहार के 21 अनुमंडलों में खुलेंगे नए कोर्ट। बिहार सरकार ने जिला और इससे नीचे के अदालतों में लंबित पड़े मुकदमों को कम करने के लिए 21 नए अनुमंडल स्तरीय न्यायालय खोलने का निर्णय लिया है। इन अनुमंडल स्तरीय कोर्ट खोलने को लेकर संबंधित प्रस्ताव पर विधि विभाग से मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद अब यह प्रस्ताव हाईकोर्ट के पास अंतिम निर्णय के लिए गया हुआ है। हाईकोर्ट से मुहर लगने के साथ ही इन न्यायालयों को खोलने की कवायद शुरू हो जाएगी। बिहार के फिलहाल 101 अनुमंडल 21 अनुमंडल ऐसे हैं जहां पर न्यायालय नहीं है या जिला न्यायालय में अभी अनुमंडल स्तरीय न्यायालय समाहित है। इनके खुलने के बाद राज्य के सभी अनुमंडलों में अनुमंडलीय न्यायालय हो जाएंगे, जिसके बाद इन सभी 21 नए न्यायालयों के लिए मुंसिफ के अलावा 128 राजपत्रित अधिकारियों के पद का सृजन भी किया जाएगा। पटना के बाद अब गोपालगंज में खुलेगा राज्य का दूसरा बड़ा अस्पताल। बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ी सौगात दी है, जिसके तहत बिहार के गोपालगंज में राज्य का दूसरा आयुष अस्पताल खोला जाना है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने 6.40 करोड़ रुपए गोपालगंज जिला प्रशासन को आवंटित भी कर दिया है। राज्य में एक आयुष अस्पताल पटना में चल रहा है। वहीं गोपालगंज को मिले इन सौगात पर जदयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोपालगंज को दी गई सौगात बताया है। आपको बता दें, केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय गोपालगंज 50 बेड का आयुष अस्पताल बन रहा है। इस इंटीग्रेटेड अस्पताल में आयुर्वेद, होम्योपैथ और योग सहित अन्य देसी चिकित्सा पद्धतियों से मरीजों का इलाज किया जाएगा। कोर्ट में किसान अधिकार मंच ने दायर किया पीआईएल। बिहार सरकार और किसानों के बीच की लड़ाई अब पटना हाई कोर्ट पहुंच गई है। सहकारिता विभाग के खिलाफ किसान संगठन ने पीआईएल दायर कर दिया है। इस दौरान किसान अधिकार मंच ने गेहूं खरीद में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि किसान के नाम पर वैसे लोगों से गेहूं खरीदा गया है जो सरकारी कर्मचारी है। इतना ही नहीं, पीआईएल में किसानों की तरफ से गड़बड़ी को लेकर प्रमाण भी दिए गए हैं। किसानों की माने तो गेहूं अधिप्राप्ति में सरकारी कर्मचारी को भी किसान बताकर उनसे गेहूं खरीद किया गया है। हालांकि सहकारिता विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में इस साल किसान से गेहूं की रिकॉर्ड खरीद होने का दावा किया गया है। सहकारिता विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल केवल 3710 मीट्रिक टन गेहूं खरीद करने वाली सहकारिता विभाग ने इस बार 4.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी की है। पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने जारी किया गाइडलाइन। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इधर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन में चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवारों को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार पंचायत चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए सार्वजनिक स्थल का उपयोग नहीं होगा। साथ ही कोई भी अभ्यर्थी किसी उम्मीदवार के खिलाफ व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं कर सकेंगे और न ही जातिगत अथवा धार्मिक भावना को ठेस करने वाले वक्तव्य देंगे। ऐसा करने वाले अभ्यर्थियों एवं उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग की तरफ से जारी दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है चुनाव जीतने के बाद भी उम्मीदवार धार्मिक, जाति और भाषा भावनाओं का सहारा नहीं लेंगे। विश्वविद्यालयों में 40% पाठ्यक्रम ऑनलाइन पढ़ाने की शुरू हुई तैयारी। कोरोना की आगामी लहर की संभावना को देखते हुए बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में हो रही पढ़ाई को लेकर यूजीसी ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत बिहार के विश्वविद्यालयों में 40% पाठ्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाने की तैयारी चल रही है। बाकी बचे पाठ्यक्रम को क्लासरूम स्टडी के रूप में ही पढ़ाया जाएगा, जिसके बाद अब प्रदेश के विश्वविद्यालयों को इस दिशा में तैयारी करने का आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कंटेंट चयन के लिए सुझाव देने के
देने को लेकर आईईटी और एसआईटी कार्यान्वयन समिति का गठन कर दिया है। जानकारों की माने तो हाल ही में हुई मीटिंग में इस बात का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत अब पाठ्यक्रम के डिजिटलीकरण के लिए शिक्षा विभाग संसाधन भी जुटाने की कवायद में लग गया है। अब बिहार में वोकेशनल कोर्स के लिए भी होगा एंट्रेंस एग्जाम। कोरोना काल में नौकरी या बहाली की परीक्षाओं के लिए इजाजत दे दी गई है, जिसके तहत सरकार ने यह साफ किया है कि राज्य सरकार के आयोग, परिषद, बोर्डों और अन्य समतुल्य संस्थानों द्वारा नियुक्ति और विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश या चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कोविड अनुकूल व्यवहार और अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ अनुमान्य होगा। वहीं बिहार सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश संख्या 4395 के मुताबिक कोरोना गाइडलाइन में बदलाव किया गया है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे अहम शर्मा की। अहम शर्मा का जन्म आज ही के दिन बिहार के बाढ़ में हुआ था। अहम शर्मा एक भारतीय अभिनेता हैं। वो सलीमपुर बिहार भारत के एक इंजीनियर से अभिनेता बने हैं। उनकी फिल्म माई कंट्री लैंड का प्रीमियर कान फिल्म समारोह के मार्चेडू फिल्म में हुआ था। उन्होंने महाभारत 2013 में कर्ण और विक्रम बेताल की रहस्य गाथा में सम्राट विक्रमादित्य के रूप में भी अपनी भूमिका निभाई है। वो मार्शल आर्ट के विभिन्न रूप में भी एक मास्टर है। विशेष रूप से ताइक्वांडो में उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज। बिहार के कई जिलों में बारिश के आसार बढ़ते देखे जा रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 24 घंटे में बिहार के मौसम का मिजाज बदलने वाला है। हालांकि अब तक राज्य के अधिकांश जिले में बादल दिखने को मिल रहे हैं। कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी देखी गई है, जिसके बाद अब अगर मौसम वैज्ञानिकों की माने तो राज्य के मौसम में अगले 24 घंटे में राज्य के विभिन्न जगहों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली चमकने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर बिहार के पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, खगड़िया और बेगूसराय और दक्षिण पश्चिम बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल में एक दो स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बिहार में कोविड-19 के मिले 100 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 88 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 589 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 3, अरवल में 1, बांका में 1, बेगूसराय में 3, भागलपुर में 1, दरभंगा में 3, ईस्ट चंपारण में 2, गया में 3, गोपालगंज में 2, जमुई में 2, कटिहार में 8, खगड़िया में 7, किशनगंज में 2, लखीसराय में 2, मधुबनी में 5, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 6, नालंदा में 1, नवादा में 1, पटना में 11, पूर्णिया में 2, सहरसा में 5, समस्तीपुर में 5, सारण में 3, शेखपुरा में 2, शिवहर में 1, सुपौल में 1, वैशाली में 2 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, कैमूर, मधेपुरा, रोहतास, सीतामढ़ी, सिवान और वेस्ट चंपारण में 1 भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 2 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,60,127 सैंपल की जांच की गई। वहीं 129 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। देश में सबसे अधिक इस साल बिहार में नेशनल हाईवे बनाने की तैयारी। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश में सबसे अधिक नेशनल हाईवे बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर एजेंसियों को काम सौंप दिया गया है। सड़कों के निर्माण पर 15,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इसमें कुल मिलाकर 30,000 लोगों को काम मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार में वित्त वर्ष 2020-21 में NHAI की तरफ से 7 प्रमुख सड़कों के निर्माण के लिए बड़ी राशि खर्च हो रही है। इस पर 3,792 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होने वाली है। इस साल इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा। चंडीगढ़ में उद्योगपतियों से मिलने पहुंचे शाहनवाज। बिहार के औद्योगिक विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहे राज्य के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने हाल ही में चंडीगढ़ के CII नदर्न रीजन से जुड़े उद्योगपतियों से मुलाकात की और उन्हें बिहार में उद्योग की स्थापना के लिए निमंत्रण भी दिया है। इस दौरान उद्योगपति शाहनवाज हुसैन ने उत्तर भारत के उद्योग जगत की हस्तियों के सामने बिहार की ड्राफ्ट टेक्सटाइल पॉलिसी को लेकर विस्तृत प्रस्तुतिकरण भी दिया और उन्हें पूरे बिहार के टेक्सटाइल के साथ हर तरह के उद्योग की स्थापना के लिए मौजूदा संभावनाओं से अवगत कराया। इसके साथ ही उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी अब कोई मसला नहीं है, क्योंकि बिहार का हर इलाका सड़क, रेल या हवाई मार्ग से अच्छी तरह से कनेक्टेड है।
बिहार में 19 एमएलसी के कार्यकाल खत्म होने के बाद भी मिलती रहेगी यह सुविधा। बिहार में 19 एमएलसी का कार्यकाल खत्म हो गया है। हालांकि कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी इन सभी एमएलसी को कुछ सुविधाएं मिलती रहेंगी, जिसके तहत कार्यकाल खत्म होने वाले सभी एमएलसी को अगले चुनाव तक सरकारी आवास और सुरक्षा गार्ड की सुविधा मिलती रहेगी, जिसकी जानकारी विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि सुरक्षा गार्ड की सुविधा जारी रखने के लिए डीजीपी को पत्र जारी कर दिया गया है, यानी कि अगले चुनाव तक अंगरक्षकों की संख्या में कोई कटौती नहीं की जाएगी। हालांकि इस दौरान यात्रा कूपन की राशि में कटौती की गई है, इसी तरह यात्रा भत्ता भी नहीं दिया जाएगा। सीबीएसई ने 12वीं के परीक्षा परिणाम को अंतिम रूप देने के लिए जारी की नई तारीख। सीबीएसई ने 12वीं परीक्षा के परिणाम को अंतिम रूप देने के लिए 25 जुलाई की तारीख जारी कर दी है, जिसको लेकर परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने यह जानकारी दी है। इससे पहले समय सीमा 22 जुलाई थी। संयम भारद्वाज की माने तो परीक्षा परिणाम तैयार करने की अंतिम तारीख नजदीक आने के साथ ही शिक्षक तनाव में आ रहे हैं और त्रुटियां कर रहे हैं। वो सीबीएसई को इन गलतियों को सही करने के लिए अनुरोध भेज रहे हैं। इसके साथ ही सीबीएसई ने प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना जारी की है, जिसके तहत सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा का आयोजन 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में आयोजित करने का फैसला लिया है। पार्टी की कमान लेने के बाद पशुपति पारस ने चिराग को दिया आशीर्वाद। पार्टी की कमान पर अपना आधिपत्य जताने के बाद अब पशुपति पारस का दिल चिराग के लिए पिघलता नजर आ रहा है। मौका था पशुपति पारस के छोटे भाई रामचंद्र पारस की दूसरी पुण्यतिथि का। इस दौरान ही दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने 2 महीने में पहली बार चिराग को लेकर अपना नरम रुख अपनाया है। कार्यक्रम के दौरान पशुपति पारस ने कहा कि देश में हमारा परिवार ही ऐसा था जहां से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सभी सदस्यों को सांसद बनने का मौका मिला। इसके साथ ही उन्होंने चिराग लेकर कहा कि हम 3 भाइयों के बाद इस विरासत को अब चिराग और प्रिंस आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी कामना है कि दोनों हम लोगों से बेहतर काम करें और हम लोगों से ज्यादा नाम रोशन करें। मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ था, वहीं कई विधायकों को इस दौरान चोट भी लगी थी। इसी क्रम में अब इस मामले को लेकर बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहकर जब तेजस्वी यादव इतना उत्पात मचा रहे हैं तो जब सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। तेजस्वी के पास ज्ञान का अभाव है, बड़ों की इज्जत कैसे करनी चाहिए ये उन्होंने सीखा ही नहीं है। इस बाबत उन्होंने कहा कि मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो आगे बढ़े, लेकिन जिस तरह से सत्ता की बेचैनी ने उन्हें बेचैन कर रखा है, ऐसे में नहीं लगता है कि वो लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखेंगे, यह कहना थोड़ा मुश्किल है। तेजस्वी यादव को राजद सुप्रीमो बनाए जाने के सवाल पर बोले शिवानंद तिवारी। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का दिल्ली जाना बिहार की राजनीति में बड़े संकेत दे रहा है। जानकारों की माने तो आने वाले समय में अगर राजद की तरफ से तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए तो हैरान होने वाली कोई बात नहीं होगी। हालांकि शिवानंद तिवारी के ख्याल इस मुद्दे में थोड़े अलग है। हाल ही में तेजस्वी को बड़ी जिम्मेदारी मिलने को लेकर जब शिवानंद तिवारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्टी में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव बेशक एक अच्छे नेता हैं, उनके नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव का आयोजन हुआ, सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनके नेतृत्व में ही किए गए, लेकिन तेजस्वी कभी नहीं चाहेंगे कि वो अपने पिता का अध्यक्ष बदले। उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब उमेश कुशवाहा करेंगे बिहार दौरा। बिहार में जदयू के संगठन को मजबूत करने की योजना के साथ काम किया जा रहा है, जिसके तहत ही जदयू के संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। वहीं अब उन्हीं के नक्शे कदम पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी बिहार दौरे पर निकलने वाले हैं। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर वो आम लोगों के साथ भी संवाद करने वाले हैं, जिसके तहत अब इसी महीने की 24 तारीख को वो यात्रा करने वाले हैं, जिसके तहत वो पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जाएंगे। जानकारों की माने तो वो पूर्णिया से यात्रा आरंभ करेंगे, फिर 25 को कटिहार, 26 को किशनगंज और 27 को अररिया जिले में रहेंगे। इसी प्रकरण को लेकर राज्यसभा मार्च करेगी कांग्रेस पार्टी। हाल ही में देश के प्रमुख लोक, विपक्षी, पत्रकार, अधिकारियों की जासूसी करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर केंद्र सरकार का घेराव करने वाली है, जिसके तहत ही आज कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोलते हुए राज्यसभा तक मार्च करने वाली है। वहीं इस बाबत बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि 2017 में प्रधानमंत्री मोदी इसराइल गए थे और अब इसराइली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए जासूसी हो रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार देश के कई स्थानों की जासूसी करवा रही है। कांग्रेस पार्टी जासूसी कराने का घोर विरोध करती है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कई राज्यों की सरकार गिराने में भी किया है। पूर्व
एमएलए जनार्दन मांझी का हुआ अंतिम संस्कार। जदयू के पूर्व विधायक जनार्दन मांझी ने मंगलवार को ही पटना के पारस अस्पताल में दम तोड़ दिया था। उनके गुजर जाने के बाद राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर देखने को मिली। वहीं बीते दिन उनके पार्थिव शरीर को बांका ले जाया गया, जहां उनके पैतृक आवास पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संबंध में दिवंगत जनार्दन मांझी के पुत्र और राज्य सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज से फोन पर बातचीत कर शोक संतप्त परिवार को संतावना दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि स्वर्गीय जनार्दन मांझी एक कुशल राजनेता थे। वो लगातार 15 वर्षों तक विधायक रहे, उनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध था। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के पहले पायलट इंद्रलाल राय की 1918 में लंदन के आसपास जर्मनी के विमानों के साथ संघर्ष में जान गई थी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया था। भारत के पहले भूस्थिर उपग्रह एप्पल ने 1981 में कार्य करना प्रारंभ किया था। विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल माइकोलॉजी ने फूफंदी अनुसंधान दल ने 2011 में 100 से 115 डिग्री सेल्सियस तापमान सह सकने वाले तापरोधी फूफंदी के बीजाणुओं की खोज की थी। प्रणब मुखर्जी 2012 में भारत के 13वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जन्म 1970 को आज के दिन हुआ था। आज के दिन को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चाहर ने अपनी पारी के लिए राहुल द्रविड़ को कहा धन्यवाद। भारत बनाम श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे मैच में भारतीय टीम ने रोमांचक तरीके से जीत दर्ज की। वहीं इस जीत में अहम भूमिका भारतीय टीम के दीपक चाहर ने निभाई। उनके ही नाबाद 69 रनों की पारी के बदौलत टीम ने शानदार जीत दर्ज की, जिसके बाद चाहर ने इस पारी का श्रेय कोच राहुल द्रविड़ को दिया है। दीपक चाहर का कहना है कि वो राहुल द्रविड़ के विश्वास के कारण ही टीम इंडिया को जीत दिला पाए हैं। दीपक ने कहा कि देश के लिए मैच जीतने से बड़ी कोई बात नहीं है। राहुल सर ने मुझे हर गेंद को खेलने की सलाह दी थी। दीपक चाहर ने आगे कहा कि राहुल सर ने मुझ पर भरोसा जताया। जब वो इंडिया ए के कोच थे तो मैं उनके अंडर में खेला हूं। वहां भी बल्लेबाजी में मैंने बहुत कुछ अच्छी पारियां खेली हैं। राहुल सर ने मुझे कहा है कि मैं नंबर 7 पर बल्लेबाजी कर सकता हूं। लक्ष्य 50 तक पहुंचा तो मुझे लगा हम जीत सकते हैं। मैंने कुछ रिस्क भी लिए। भारत में चीनी उत्पादों के बहिष्कार का अभियान शुरू। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने बीते दिन देश भर में भारतीय सामान हमारा अभिमान नारे के साथ चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें दिसंबर 2021 तक चीन में निर्मित वस्तुओं के भारत में आयात को 1,00,000 करोड़ रुपए कम करने का लक्ष्य तय किया गया है। कैट का कहना है कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को सफल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। कैट के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि इस चरण में FMCG उत्पाद, रोजमर्रा की वस्तुएं, किराना, फुटवेयर, खिलौना, रसोई उपकरण, क्रॉकरी, गिफ्ट आइटम, फर्निशिंग फैब्रिक जैसे आम वस्तुएं जो अभी तक चीन से आयात होती हैं, इनके पूर्ण बहिष्कार की योजना बनाई गई है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 21 जुलाई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,310 रुपए था। वही 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,310 रुपए था। वही अगर हम बात करें चांदी की तो चांदी का भाव प्रति किलो 66,600 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.05 रुपए प्रति लीटर थी। वही डीजल की कीमत 96.26 रुपए प्रति लीटर था। 30 सितंबर से बंद होने जा रही है गूगल की ये सर्विस। गूगल ने अपने 16 साल पुरानी गूगल बुकमार्क सर्विस को बंद करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत गूगल क्रोम सर्विस आगामी 30 सितंबर 2021 से पूरी तरह बंद हो जाएगी। ऐसे में यूजर को बुकमार्क के तौर पर सुरक्षित डेटा को दूसरी जगह सेव करना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 30 सितंबर के बाद गूगल का बुकमार्क डेटा डिलीट हो जाएगा। सेव करने के लिए हालांकि यूजर को google.com/bookmarks लिंक पर क्लिक करना होगा, जहां एक्सपोर्ट बुकमार्क्स ऑप्शन दिखेगा, जिस पर क्लिक करना होगा। इस तरह गूगल बुकमार्क्स डेटा की एक कॉपी तैयार हो जाएगी, जिसे दूसरी जगह स्टोर किया जा सकेगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सुरेश कुमार, राजेश सिकंदर, आदर्श अनुज, आर्यन कुमार, प्रिया सिंह, उमेश शर्मा, राजू रंजन, मनीष मोहरा, आयुषी कुमारी, अशोक राम, चंदन कुमार, मुकेश शाह, पप्पू कुमार, जाकिर शाह, लालू शाह, विजय कुमार, दीपेश कुमार, कुंदन कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार के किस गीतकार का गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।